फर्स्ट है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में। इसमें यहाँ पर मिसप्रिंट है, उदयपुर व चित्तौड़गढ़, यहाँ पर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ थोड़ा मिस्टेक है। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है थ्री, राजस्थान में छप्पनी अकाल किस वर्ष पड़ा? 1956 में, जैसा कि इसमें लिखा गया है 1956 में। नेक्स्ट है फोर, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। नेक्स्ट है फिफ्थ, राजस्थान में गुरुशिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर राजस्थान में गुरुशिखर चोटी की ऊंचाई है। नेक्स्ट सिक्स, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर को। राजस्थान की आकृति है विषमकोण चतुर्भुज के समान। यहाँ पर सन सिटी का मतलब सूर्य नगरी से है, सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, उसी इंग्लिश में सन सिटी कहा जाता है। राजस्थान की आकृति हो गई विषमकोण चतुर्भुज के समान, राजस्थान की आकृति है। नेक्स्ट है एट, राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? जैसलमेर का। नेक्स्ट नाइन, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। नेक्स्ट इलेवन, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जो है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? दक्षिणी। नेक्स्ट 13, जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट 14, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर और बाड़मेर पूरी तरह से मरुस्थली क्षेत्र हैं। नेक्स्ट 15, राजस्थान के कौन से भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। नेक्स्ट 16, राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? जयपुर में। नेक्स्ट 17, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? धौलपुर में। नेक्स्ट 18, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? सिरोही में। नेक्स्ट 19, राजस्थान में किन वनों का अभाव है? शंकुधारी वन। राजस्थान में शंकुधारी वन नहीं पाए जाते या इनका अभाव है। नेक्स्ट 20, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3, लगभग 2/3 राजस्थान का क्षेत्रफल का जो भूभाग है रेगिस्तानी है। नेक्स्ट 21, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प है? पीयूना सर्प। नेक्स्ट 22, राजस्थान के पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र शमगांव जैसलमेर, जैसलमेर का शमगांव क्षेत्र जो है पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र है, वहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है। नेक्स्ट 23, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सबसे अधिक होता है? श्रीगंगानगर में। नेक्स्ट 24, राजस्थान का क्षेत्रफल इसराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इसराइल के क्षेत्रफल से 17 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट 25, राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम है? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट 26, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जयपुर, जनसंख्या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जयपुर की है। नेक्स्ट 28, थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 58%, 58% जो एरिया है थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का, ये राजस्थान में 58% है। नेक्स्ट 29, राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहते हैं? धोरे। नेक्स्ट 30, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पर्क कहाँ है? आकल गांव जैसलमेर में। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पर्क या फॉसिल जो पार्क है कहाँ पर है? आकल गांव जैसलमेर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।